बेसिकली आज से तकरीबन 100 साल पहले 1915 के अंदर 1915 में एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो इंसानी हिस्ट्री में चंद बड़े आप समझ लें फिजिक्स की फील्ड के लोग हुए हैं उनमें से एक हैं, 1879 में ये पैदा हुए और 1921 में इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया फिजिक्स की फील्ड में, और 1955 में इनकी डेथ हुई। और इनका वो जुमला बड़ा मशहूर है, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम। रिलीजन आपको वो इल्म देता है जो नॉलेज ऑफ अनसीन है, और वो जाहिर है कि रिवील्ड नॉलेज क्रिएटर की तरफ से आता है। दूसरा एक्वायर्ड नॉलेज है जो साइंस का इल्म है। रिवील्ड नॉलेज वही का इल्म हो या एक्वायर्ड नॉलेज साइंस का इल्म, द नॉलेज ऑब्टेंड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, ये दोनों लाजमो मलजूम है। तो रिलीजन विदाउट साइंस, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम, एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। रिलीजन साइंस के बगैर अंधी है। रिलीजन को समझने के लिए आपको साइंस समझनी पड़ेगी। इसलिए देख लें कुरान पाक में 1000 से ज्यादा आयात जो है ना वो साइंस की फील्ड से रिलेटेड है, जिसको हम साइंस के फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर कह रहे हैं, अल्लाह ताला की कुदरत के यानी जो मज़ाहिर इस कायनात में फैले हुए हैं। गॉड इज द ओनली एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द फिजिकल फिनोमेना इन दिस यूनिवर्स। खुदा ही वजाहत है इस कायनात में होने वाले हर फिजिकल इवेंट की। इस कायनात में जो कुछ हो रहा है उसकी एक ही वजाहत है कि ये किसी की मर्जी से हो रहा है। साइंस सिर्फ फिजिकल लॉज के साथ डील करती है, जो कानून कुदरत हैं अल्लाह के बनाए हुए, उन्हीं लॉज को यूज करके साइंस ह्यूमैनिटी की बेहतरी के लिए काम करती है। कोई लॉ खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकती, वो पाबंद है उसकी। अल्लाह ताला ने लॉ ऑफ बॉयंसी रखा है, कुवत उछाल, इसको साइंस यूज करती है, और उसकी बुनियाद के ऊपर बहरी जहाज जो है समुद्रों में चलते हैं और हवाई जहाज हवा में। लेकिन लॉ ऑफ बॉयंसी तो अल्लाह का बनाया हुआ है ना, वो खत्म हो जाए अगर। लॉ ऑफ बॉयंसी अगर अर्शमीदस ने बताया तो उसने डिस्कवर किया है। अर्शमीदस क्रिएटर नहीं है इस लॉ का, डिस्कवर करने वाला है। साइंस जब कोई चीज डिस्कवर करती है तो बाज़ औक़ात लोगों को ये वसवसा आता है साइंस ने कोई कारनामा कर लिया। साइंस तो सिर्फ डिस्कवरी कर रही है। सूरज मशरक से निकलता है, ये एक डिस्कवरी है, लेकिन इस कानून ने सूरज को पैदा नहीं किया। अंडे से चूजा निकलता है और फिर अंडे में ये तब्दीलियां आती हैं, साइंस उसको डिस्कवर करती है, लेकिन उन तब्दीलियों ने और उन लॉज ने अंडा नहीं बनाया, अंडा क्रिएटर ने बनाया। तो डिस्कवरी से हमेशा आप हर स्टेप अल्लाह की तरफ तय कर रहे होते हैं। तो ये कायनात अल्लाह ताला का फेल है और कुरान अल्लाह का कौल है। कौल और फेल में तजाद नहीं होता। अल्लाह ने जितने फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर डिस्कस किए हैं वक्त के साथ साथ वो चीजें रिवील्ड हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये हमें खुदा की तरफ लेके जाती है। तो मैं एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात कर रहा था, तो उन्होंने उस वक्त मैथमेटिकली ये चीज प्रूव की थी कि कायनात के अंदर, यानी उन्होंने देखा नहीं था, ये उनका ये कॉन्सेप्ट था कि अगर किसी जगह पे बहुत ज्यादा मैस कंसंट्रेट कर जाए और उसका वॉल्यूम ऑलमोस्ट जीरो निगलिजेबल हो, तो उस मैस के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स, कुवत कशिश सकल, जिसकी वजह से चीजें एक दूसरे को खींचती हैं, ये मैं ग्लास जब यहां से छोड़ूंगा तो नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए कि जमीन इसे अपनी तरफ खींच रही है, तो उसकी एक ताकत है जिससे वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन होती है। तो उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा मैस कायनात में कहीं एग्जिस्ट करता हो कि उसका वॉल्यूम तो ऑलमोस्ट जीरो हो लेकिन उसका जो मैस है वो वहां पे इंटेंस मैस ऐसा कंसंट्रेट करे, तो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा होगी कि उसके पास से भी अगर कोई सितारा गुजरेगा तो वो उसको हड़प कर लेगी, जिस तरह एक वर्टेक्स करता है। ब्लैक होल एक खलाई वर्टेक्स है, जिस तरह समुद्री भंवर होते हैं ना जिनमें बड़े बड़े बहरी जहाज भी डूब जाते हैं, चक्कर खा रहा होता है, कोई भी चीज के क्रीज भी है वो उसको पहले सक करती है फिर अंदर डुबो देती है फिर खत्म। इस तरह खला के अंदर भी ऐसे वर्टेक्स हो सकते हैं जहां पे कंसंट्रेटेड मास एग्जिस्ट करता हो, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी होगी कि इवन लाइट भी उसमें एंटर होना तो वो भी एस्केप नहीं कर सकती, जो इस कायनात की सबसे तेज तरीन चीज है और एब्सोल्यूट कांस्टेंट है।
आइंस्टाइन ने तो यह भी कहा, ना टाइम कांस्टेंट है ना मैस कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट ये कांस्टेंट है, लेकिन वो भी उससे एस्केप नहीं कर सकते। और स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है कितनी है? 300,000, यानी 300,000 किलोमीटर एक सेकंड। रोशनी इतनी तेज है कि एक सेकंड में जमीन के 7 चक्कर काट सकती है। 1,86,000 मील फी सेकंड या 300,000 किलोमीटर फी सेकंड। जमीन का सरकमफ्रेंस 40,000 किलोमीटर है, यानी एक तरफ से चले वापस आए 40,000 किलोमीटर है। तो एक सेकंड में रोशनी जमीन के 7 चक्कर काट सकती है। इसलिए कायनात के फासले जो हैं वो रोशनी के एतबार से मापे जाते हैं। ये इतने लाख नूरी साल, वो एक नूरी साल ही बहुत ज्यादा होता है। वन लाइट ईयर ये है कि रोशनी एक साल तक इसी रफ्तार से चलती रहे तो जितना फासला तय करती है। वो तो आप मेरा हुई अल्लाह वाला लेक्चर देख लें, मसला 60, उसमें मैंने फिर बताया कि कायनात के फासले कितने हैं। तो आज हम ब्लैक होल के ऊपर बात कर रहे हैं, तो वो ब्लैक होल का उनका एक कॉन्सेप्ट था कि ऐसा अगर हो तो हो जाएगा। फिर साइंटिस्ट ने उस पर काम करना शुरू किया। आप हिस्ट्री देखें, करते करते बहरहाल 3-4 साल पहले से इन्होंने अभी वो उसके ऊपर, यानी दुनिया में जितनी टेलीस्कोप्स थी बड़ी बड़ी, 8 टेलीस्कोप्स इन्होंने फिट की, जो कई यानी सालों तक वो इमेज लेती रही हैं। वो इमेजेस जोड़ के तो उन्होंने बहरहाल एक ब्लैक होल ऐसा दरियाफ्त कर लिया है कि जो वाकई जहाँ पे ये पूरी पूरी कहकशाएँ भी गायब हो जाती हैं, और ये फिजिकली उसकी वीडियो भी उन्होंने मंजरे आम पे ले आए। तो सर ये तो क्रिएशन है ना जी, असल तो इन सारी चीज़ों के पीछे क्रिएटर है। गॉड इज़ द ओनली एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द फिजिकल फिनोमेना इन दिस यूनिवर्स। साइंस तो सिर्फ आपको चीज़ों की नो हाउ देती है, जो पीछे विल ऑफ क्रिएटर है, विल ऑफ गॉड है, ज़ाहिर साइंस तो वो फिर आइंस्टाइन ने खुद ही कह दिया ना कि साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। तो ये ब्लैक होल की दरियाफ्त बहुत बड़ी दरियाफ्त है। बाकी जो लोग इसको धक्के से वो कुरान पाक की आयात में फिट करने की कोशिश करते हैं, वो सारी हमारी असेसमेंट्स हैं। उस तरीके से एक जिस तरह सूरतुल वाकिया में आयत वो लेके आते हैं ना, फला उक्सिमु बिमवाकिइन नुजूम व इन्नहु लक़समुल लौ तअलमून अज़ीम। मैं कसम याद फरमाता हूँ उन जगहों की जहाँ पे सितारे डूबते हैं, और काश तुम जानते होते कि कितनी बड़ी कसम है जो हमने याद फरमाई है। तो बाद लोगों ने इस आयत को ब्लैक होल के साथ लेट किया कि सितारों के डूबने की जगह वो ब्लैक होल्स हैं जहाँ पे पूरी पूरी कहकशाएँ गायब हो जाती हैं। मे भी ऐसा हो भी सकता है। जो पुराने मुफस्सरीन हैं वो इसको सितारों की मनाजिल कहते हैं। तो मेरा मौकिफ ये है कि कुरान पाक की आयात आफाकी हैं। हमारे पुराने मुफस्सरीन को अगर कोई बातें समझ नहीं आई हैं ना किसी मसले में, और उनकी जो इतनी ऑब्जर्वेशन थी उसमें ही वो फिट करते थे, वो अपनी जगह ठीक थे। आज अगर कोई नई डिस्कवरी होगी हम उसमें इसलिए फिट करते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक को क्यामत तक के लिए मुसलमानों या इंसानियत की रहनुमाई के लिए रखा हुआ है। हर आने वाला वक्त कुरान पाक की नई चीजें लोगों के सामने लेके आएगा। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबयन लहुम अन्नहुल हक। अन करीब हम जमीन व आसमान में और तुम्हारी जानों में तुम्हें ऐसी निशानियां दिखा देंगे कि तुम पुकार उठोगे, तुम पे ये बात खुल जाएगी कि कुरान हक है, खुदा की जात हक है। तो ये हर आने वाला जमाना, हर साइंटिफिक डिस्कवरी खुदा की तरफ लेके जाती है। मैं अक्सर कहता हूं ना कि साइंस तो सिर्फ डिस्कवर कर रही है, जल्ला किस तरह आता है? टेक्टोनिक प्लेट्स की डिस्टर्बेंस से। अब अगर साइंस से पूछे वो डिस्टर्बेंस कौन करता है, उसका टाइम पीरियड कौन डिफाइन करता है, वो कहते हैं इट इज फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर। और फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर के पीछे तो खुदा है, वो डिसाइड करता है। कायनात में होने वाली हर चीज मौजजा है। ये अलग बात है कि हम चंद मौजजात के आदि हो चुके हैं। अगर किसी शख्स ने ये ऑब्जर्व ना किया हो कि चूजा अंडे में से निकलता है, एक लम्हे के लिए सोचे, और वो पूरी जिंदगी अंडा खाता रहे, उसे एक दिन बताया जाए कि ये जो तुम अंडा खाते हो ना, ये जो तुम्हें इतने खूबसूरत चूजे और मुर्गियां नजर आती हैं इसमें से निकलती हैं, वो कहेगा मैंने दर्जनों दफा तोड़ा है, इसमें तो कोई ऐसी दूर दूर तक चीज नहीं है कि इसमें से चूजा बन सके। ईमानदारी से बताएं ऐसा होगा कि नहीं? या एक बेकदर बीज किसी को दिखाया जाए और उसे ये बताया जाए ये जो इतना बड़ा तुम दरख्त देख रहे हो ना, ये इसमें से निकला है,
वो कहता है यार इसमें से कैसे इतना बड़ा दरख्त निकल सकता है, वो दरख्त तो इतना बड़ा है, ये तो इतना सा है, वो तो 6 अरब गुना बड़ा है, लेकिन हम आदि हैं। आप फूलों को देखें, अगर फूल किसी को जिसको ये ना पता हो ये जमीन की काली मट्टी में से निकलते हैं, वो कभी भी नहीं मानेगा कि मट्टी में तो दूर दूर तक ऐसी कोई चीज नहीं। फ्रूट को देख लें, कायनात की हर चीज एक मौजजा है। ये अलग बात है कि हम चंद मौजजों के आदि हो चुके हैं, इसलिए हमें वो छोटे लगते हैं, वरना मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ कि मुर्दे का जिंदा होना ये छोटा मौजजा है, अंडे में से चूजे का निकलना उससे बड़ा मौजजा है। मुर्दा तो वो पड़ी हुई है लाश, वही जिंदा हो रही है ना। चूजे और अंडे का तो कोई लेना देना ही नहीं दूर दूर तक, उसमें से एक लेसदार मादा है, आप वो लेसदार मादा उसमें से निकाल के ओपन एयर के अंदर ले आए, फिर आप उसमें से जरा चूजे की चोंच ही कोई एक बना के बता दें। अभी तो हम अंडा बनाने के लिए किसी को कह ही नहीं रहे, अंडा तो कोई बनाने का सोच भी नहीं सकता। तो ये जितने फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर डिस्कवरीज होती हैं, इसमें हमारा एटीट्यूड प्राइमरी ये होना चाहिए कि हम इसके बाद खुदा की शनाख्त करें। कुरान पाक की आयात में उसको जबरदस्ती घुसेड़ने की कोशिश ना करें, कहीं कुछ बन भी रहा होता है कहीं नहीं भी हो रहा होता। हम भी यानी कोशिश करते हैं जो करीब करीब वो बात कर देते हैं, अदरवाइज मुझे भी सारी बातें पता हैं जो जो लोग करते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें कुरान में ना भी लिखी हों, असल चीज़ ये है कि हर फिजिकल फिनोमेना आपको अल्लाह की तरफ लेके जाता है। तो ये ब्लैक होल की डिस्कवरी भी अल्लाह की कुदरत की बहुत बड़ी निशानदेही, क्योंकि जिसने डिस्कवर किया है उसने तो इसको पैदा नहीं किया, उसने सिर्फ जाना है। और इससे आप ये भी अंदाज़ा लगाएं कि हम यानी कई चीज़ें इस कायनात के अंदर कि जिनको अभी हम सिर्फ उनको जानते नहीं, उनकी डिटेल्स तो छोड़ ही दें, हमें तारुफ भी नहीं। मैंने कई दफा बताया कि इस कायनात के अंदर इस वक्त 250 बिलियन गैलेक्सीज दरियाफ्त हो चुकी हैं, 250 अरब। उन गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी हमारी मिल्की वे है, जिसमें 300 अरब से ज्यादा सूरज हैं, जिनमें से एक सूरज ये है और ये सबसे छोटा सूरज है। इस तरह के 300 अरब सूरज हैं और एक अरब इतना बड़ा फिगर है कि अगर कोई शख्स 24 घंटे गिनती गिनता रहे ना, 25 से 30 साल चाहिए एक अरब गिनती गिनने के लिए, 24 घंटे और कोई काम ना करे। आप 86,400 सेकंड, हर सेकंड में एक दफा गिने तो आप 1,00,000 की भी गिनती पूरी नहीं कर सकते, और 25-30 साल तक गिनते रहे तो एक अरब है। तो 300 अरब सूरज इधर है और इस तरह की 250 अरब गैलेक्सीज। इसीलिए साइंटिस्ट कहते हैं कि समुंदर के रेत के जर्रे जो समुंदर के किनारे पे हैं वो कम है, कायनात में जो सैटेलाइट्स हैं स्टार्स हैं वो इससे ज्यादा है। इतनी बड़ी कायनात है सर, कोई इमेजिन नहीं कर सकता। और फिर उसकी जो उसके अंदर जो हारमोनी है सर, वो सबसे बड़ी बात है। कायनात खाली बनाई नहीं, बना के छोड़ नहीं दी है, इतनी बैलेंस है कि वो किसी के चलाए बगैर चल ही नहीं सकती, इतनी बैलेंस है। आपको अंदाजा नहीं है, पूरी पूरी गैलेक्सीज एक दूसरे में से यूं गुजर जाती हैं और कोई स्टार दूसरे से नहीं टकराता, जिसमें अरबों स्टार्स हों और वो गुजर जाएं। सर आज तक हमारे अबाउजदाद में से किसी ने सूर्य के सूरज ना निकला हो, कभी नहीं ऐसा। सन उस उन लाज का पाबंद है जो अल्लाह ताला ने उसकी डेस्टिनी में मुकर्रर कर दी है पिछले 15 अरब साल से। विद रिस्पेक्ट टू जमीन, ज़ाहिर है सूरज तो निकलता है, ग़ुरूब तो नहीं होता, विद रिस्पेक्ट टू जमीन, सूरज का कोई बाप है जो उसको चला रहा है? 15 अरब साल से बगैर फ्यूल के वो चल रहा है और उसके अंदर इतनी रोशनी है कि हर सेकंड में 50 करोड़ एटॉमिक बम के बराबर एनर्जी सिर्फ एक सूरज में से निकल रही है। इस तरह के 300 अरब सूरज हैं, ये एक गैलेक्सी है, और इस तरह की 250 अरब गैलेक्सीज और, अनबिलीवेबल डाटा है। और ये तो वो है जो नासा ने भी दरियाफ्त किया है। अभी आसमान तो पता ही नहीं कहां पे है और ये जमीन, जमीन के अंदर ही आप इस वक्त सिर्फ जमीन के ऊपर 20,00,000 मखलूकात की स्पीशीज दरियाफ्त हो चुकी हैं, 2 मिलियन स्पीशीज। यानी अगर आप गिनना शुरू करें, इंसान, घोड़ा, गधा, कौवा, चील, मुर्गी, इस तरह आप स्पीशीज नबतात और हैवानात की गिने ना, उनकी स्पीशीज की तादाद 20,00,000 2 मिलियन है। फिर एक एक स्पीशीज वो आगे फिर बिलियंस में, इंसान ही 7-8 अरब है। जमीन पे सिर्फ हशरातुल अर्द इंसेक्ट्स और कीड़े इतने हैं कि हर इंसान को अगर 20 करोड़ कीड़े दे दिए जाए, 8 अरब के करीब इंसान है ना, हर बंदे को कह जाए 20-20 करोड़ ले लो कीड़े, तो उससे ज्यादा कीड़े
वो तो सिर्फ कीड़े की बात हो रही है सर, तो ये तो ना खत्म होने वाला डाटा है, इस पर बहुत बोला जा सकता है। फिलहाल हम उस पर ही वापस आते हैं कि आइंस्टाइन की जो एक थ्योरी थी वो आज प्रैक्टिकली सामने आ गई है। काश आइंस्टाइन कोई हाफिज़ाउल्लाह होता या रहीमाउल्लाह होता तो हम भी खुश हो रहे होते। खैर, हम यानी उनकी जो खिदमात हैं वो तो उनको तो अप्रिशिएट करते हैं, कोई शक नहीं है। बाल इन चीज़ों से हमें यह भी पता चल गया कि इल्म गैब किसी के पास नहीं होता, अल्लाह ताला एक्वायर्ड नॉलेज के ज़रिए किसी को इल्म दे दे, वरना ये सारी डिस्कवरीज जो आजकल की मॉडर्न एज में है, पुरानी एज में तो मुसलमानों ने भी कुछ किए हैं लेकिन मॉडर्न एज में मुसलमानों की कोई दूर दूर तक कंट्रीब्यूशन इन चीज़ों में नज़र नहीं आती है। तो इसका ताल्लुक मुसलमान या काफर होने से नहीं है, एफर्ट के साथ है। इंसान के लिए वही है जिसकी वो एफर्ट करता है। बाकी इन सारी चीज़ों के बाद खुदा का तारुफ करना चाहिए। किसी भी खूबसूरत चीज़ को देखें, सुभान अल्लाह बोले कि ये पाक या बेऐब या हैरान कुन नहीं है। हैरान कुन तो वो हस्ती है और बेऐब तो वो हस्ती है जिसने इसे पैदा किया, जिसने इसे क्रिएशन एक्स नहीलो किया, अदम महज से वजूद बख्शा। तो खुदा का तारुफ इन चीज़ों से होता है। तो मैं यही इसके ऊपर मैसेज दूंगा कि ब्लैक होल की डिस्कवरी आपको एक अल्लाह ताला की नई शान, कुल यौमिन हुआ फी शान, ये आपके ऊपर, ठीक है।